आज मेरी दुकान पे ये कस्टमर एक फ़ोन लेके आया है। ये इसने बोला था मैंने 15 दिन पहले लिया था किसी दुकानदार से, और ये जस्ट ये नीचे गिरा और ये तुरंत बंद हो गया। तो ये मेरे को चेक कराने आया है, किसी बिहारी व्यक्ति का था। बिहारी व्यक्ति आपको पता ही होते हैं, इन्हें ज़्यादा पता नहीं होता फ़ोन के बारे में, पर ये सामान खरीद लेते हैं किसी भी बंदे से जो इन्हें डिस्काउंट दे रहा होता है। पर जब मैंने इस फ़ोन को इसका कवर खोल के देखा तो आप देखेंगे इसका मदरबोर्ड भी नहीं है। बस मदरबोर्ड का है, बस सिंपल सा पीसीबी है एक, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है, प्रॉपर पूरा सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने जब इसे खोल के देखा, स्क्रीन ओरिजिनल थी, स्क्रीन ओरिजिनल नहीं, जो मार्केट से फोल्डर आता है वही डाल के रखा था। और ये बैटरी बिल्कुल ही नकली बैटरी थी, बिल्कुल ही नकली। जो ये टारगेट करके जो बैटरी का नाम है ना, ये भी स्टिकर लग रखा था इस पे, इसका ऊपर प्रिंटेड नहीं था, ठीक है, ये भी बिल्कुल नकली था, ठीक है। इतनी घटिया ये बैटरी थी, मतलब ये गिरते ही इसमें ना तीन तारों से बैटरी कनेक्टर कर रखे थे, प्लस माइनस, और एक जो सेंटर में होती है जो आपको नेविगेट करके बताती है कि फ़ोन कितना चार्ज हुआ। और इसकी जो अंदर की क्रोम होती है, जिसके बॉडी बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल कस्टमर, वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी ओरिजिनल नहीं डाल रखी थी। मतलब इतना तगड़ा स्कैम कर रखा है किसी ने। और ये कस्टमर जो लेके आया फ़ोन है, 10-12 हज़ार रुपये में लेके आया है किसी से, ठीक है, और देखो उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया। और ये बैटरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कागज़ से इन्होंने वो कर रखा है, कागज़ से रैप कर रखा है। मतलब ऐसा फ़ोन अगर आपको चाहिए होता है तो चाइना से ये मात्र और मात्र 500-600 रुपये में इम्पोर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हद मार के 1,000 रुपये में इम्पोर्ट हो जाता है पूरा डिस्प्ले समेत, ठीक है। बाहर से तो कोई बता ही नहीं सकता, बाहर से कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। आज मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया और ये बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। मतलब जब मैंने इसको फिर से कनेक्ट करके चलाने की कोशिश की है ना, तो ये चल नहीं रही थी, ठीक है। तो इसकी जगह पे फिर मैंने बाद में लावा की कोई बैटरी यूज़ की है उस व्यक्ति के चलाने के लिए। और यहाँ देखो कैमरे, इसमें तीन कैमरे दे रखे हैं और कैमरा नाम मात्र का है ही नहीं कैमरा इसके अंदर। ये देखो प्लेट है और ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल का है, जो ऊपर छोटा सा कैमरा दिखा है जो बटन वाले फ़ोन में आता है, सिर्फ 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत बड़ा कैमरा नहीं, किसी ने कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यार देखो फ्रॉड से देखो बचो, ठीक है। मार्केट में अब ऐसे फ़ोन बहुत आ गए हैं, ठीक है। आपको कभी भी फ़ोन लेना है, सील पैक लेना है, रजिस्टर्ड दुकान से लेना है, ठीक है, रजिस्टर्ड दुकान से लेना, नहीं तो यार उस दुकानदार से कह दो इसका कवर खोल के दिखा दो, कवर आप खुलवा दो, कवर खुलवा दो, ठीक है। नट बोल्ट की होती है वारंटी, अगर नट खोल देगा दुकानदार तब तो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, अगर ये अकेला ढक्कन खोलना होगा तो आउट ऑफ वारंटी नहीं होगा आपका फ़ोन। ये ढक्कन अगर खुलवाओगे ना तो आउट ऑफ वारंटी नहीं होगा। दुकानदार को आप 1,000 मतलब 500-600 रुपये दोगे तो ये आपका ढक्कन खोल के वो आपको दिखा देगा, ठीक है। इस तरह पे बाहर से तो आप बता ही नहीं सकते ये फ़ोन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी बाहर से थी। पर जैसे ही गिरा और हमने खोल के देखा ना, पहले हमें थोड़ा शक हुआ कि फ़ोन नकली है, फिर ऐसे पता नहीं लगा क्योंकि वेट भी इक्वल था, उस वाले फ़ोन और इस वाले फ़ोन का वेट बिल्कुल बराबर है, बस थोड़ा बहुत अंतर है।